हेलो गाइस, तो इस लेक्चर में अपन जो अपना सीपीयू होता है उसका जो फैन होता है, कूलिंग फैन, तो अपन उसका आज असेंबली करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी डायमेंशन एमएम में ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं फ्रंट प्लेन चूज करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उसका प्रोपेलर बनाएंगे, मतलब जो ठीक है फैन का जो होता है स्मार्ट डायमेंशन 13 mm डाया का। एक मैं सर्कल ड्रॉ किया, फीचर में गया, एक्सट्रूड और 17 mm का एक्सट्रूड करता हूँ मैं मिड प्लेन पे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मैं प्लेन क्रिएट करता हूँ अपने ब्लेड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको ले लेंगे 8 mm। ओके, अगेन फ्रंट प्लेन चूज किया, रेफरेंस प्लेन क्रिएट किया, फ्लिप ऑफसेट, ओके ठीक है। राइट प्लेन चूज किया, रेफरेंस प्लेन 36 और ओके, ठीक है गाइस। तो अब अपने प्लेन क्रिएट हो गए, अब अपन इन पे स्केच करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको गया नॉर्मल किया, ठीक है। स्केच में गया, सेंटर लाइन ड्रॉ की, एग्जिट, ठीक है, लाइन सेलेक्ट की, ठीक है। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ओके ठीक है। अब मैं स्मार्ट डायमेंशन में गया, ठीक है। अब अपन इसकी डायमेंशन करते हैं सबसे पहले, ठीक मिनट गाइस, इसके बीच की डायमेंशन, ठीक है, 5 mm, ओके। फिर स्मार्ट डायमेंशन इस लाइन और इस पॉइंट की है 12, 12 mm, ठीक है। फिर लाइन, एक मिनट, स्किप करते हैं इस लाइन, और इसकी जो डायमेंशन है वो है 36, ठीक है, ओके ठीक है। इसकी और स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन के बीच की डायमेंशन है लेते हैं 0.5, ठीक है। और इस लाइन और इसके बीच की डायमेंशन लेते हैं 7.6, ठीक है, ओके। तो अपना एक स्केच तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस स्केच से मैं बाहर आ जाता हूँ। अब अपन प्लेन वन सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल करेंगे, ठीक है। अब अपन इस पे स्केच की लाइन सेलेक्ट की, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन में गए, इस लाइन से इस पॉइंट की स्मार्ट डायमेंशन में गए, इस लाइन से इस पॉइंट की लेंगे 5 5 mm, ठीक है। इस पॉइंट की इस लाइन से 12, ठीक है। और इस लाइन की इस पॉइंट से 36 mm, ठीक है। और इन दोनों के बीच की सेम 0.5 mm, ठीक है। और इसके और इस लाइन के बीच की 10,
10.6 ले लेंगे, ठीक है। और ओके, तो ये अपना दूसरा स्केच भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन इसको, अब अपन जाएंगे इन दोनों प्लेन को हाइड कर देते हैं, अब अपना इसका काम नहीं है तो, ठीक है। हाइड, स्केच गया नॉर्मल, एक स्पेल स्पेल लाइन यूज की, ठीक है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बीच में और एस्केप, ठीक है। इसको थोड़ा कर दे, देख लेंगे, ठीक है, कर दे दिया इसको। ओके, फीचर में गए, इसको एग्जिट किया, लॉफ्टेड को सेलेक्ट किया, स्केच सेलेक्ट किया, ठीक है। उसको गाइड कर्व में गए और अपन उसे पाथ दे देंगे, ठीक है, जो भी अपन ने बनाया। तो गाइस ये अपना कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। और अब मेरा इस प्लेन का भी काम हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेन को हाइड कर दूँगा। अब उसके बाद अब मुझे इसको सर्कुलर पैटर्न अप्लाई करना है, तो मैं एक रेफरेंस एक्सिस कर लेता हूँ। ओके, नाउ पैटर्न में गए, सर्कुलर पैटर्न चूज किया, अबाउट किसके लिए, ठीक है, और कितने चाहिए, ओके, ठीक है। तो गाइस ये अपना फर्स्ट पार्ट क्रिएट हो गया, इसको मैं एक्सिस को हाइड कर देता हूँ और इसमें अपन कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फिर उसके बाद अपन अपीयरेंस में गए, इसकी विंग्स को अपन एक मिनट, सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट किया, ओके, इसको कलर दे दिया, ठीक है। और इस पे अपन एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल किया, इस पे अपन एक होल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फीचर एक्सट्रूड कट, और ओके, ठीक है। तो गाइस ये अपना कंप्लीट हो गया, मैं इसको अब कर देता हूँ सेव, डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, ओके, एंटर, पार्ट वन सेव, ठीक है। अब अपन इसके दूसरे पार्ट, अब अपन इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। न्यू पार्ट क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन, ठीक है, और अपनी डायमेंशंस को एमएम में कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन फ्रंट प्लेन चूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल करता हूँ, स्केच में गए, तो सबसे पहले अपन एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन अपना स्केच बना देते हैं, स्मार्ट डायमेंशन, एक सौ 35 डिग्री, ठीक है, 6 mm, चार, ठीक है,
कर देते हैं 4 mm, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन में गए इसको 12.74, ओके ठीक है। फिर अपन मिरर एंटिटी इनको सेलेक्ट करते हैं, अबाउट किसके, सेंटर लाइन के, ओके ठीक है। एक बार अपने इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन करेंगे ऑफसेट एंटिटीज, इन सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। करेंगे 2.5, ओके। अपने स्केच को अब क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन इसकी डायमेंशन दे देंगे, इसकी ओरिजिन से 39.75 mm, ठीक है। और मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसके अब अपन अपने स्केच को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। फीचर में गए, रिवॉल्व वॉश फीचर, किसके अबाउट करना है इसके, तो अपना ये स्केच ना रेडी हो गया, ठीक है। ठीक है, अब अपन इस पे इसको नॉर्मल करते हैं, स्केच में जाएंगे, अब एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन में गए 79, ठीक है, 79.5, ओके। फिर अपन को स्क्वायर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, इस लाइन को कंट्रोल, इस लाइन को, दोनों को क्या कर देंगे आपस में मेक इक्वल, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो अब अपन एक और सेंटर रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। ओके, फीचर में गए, एक्सट्रूड कट, ठीक है, थ्रोल, ठीक है। तो गाइस ये अपना पार्ट रेडी हो गया, ठीक है। ठीक, अब अपन इस प्लेन को चूज करते हैं, ठीक है, इस पे स्केच क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं गया, लाइन सेलेक्ट की, एक मिनट पहले स्केच से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने स्केच किया, लाइन सेलेक्ट की, स्मार्ट डायमेंशन, ठीक है, ओके। फीचर में गया, एक्सट्रूड बॉस, ठीक है, और अप टू सरफेस, ठीक है, ओके।
ओके एडिट फीचर ठीक है ओके ठीक है गाइस, अब एक मिनट, ये एडिट फीचर ओके स्केच अप टू वर्टेक्स अप टू बॉडी अप टू नेक्स्ट ठीक है। हाँ तो गाइस ये अब हो गया अपना ठीक है, और अब इसी तरीके से अपन इसको चारों तरफ कर देंगे। तो अपन पैटर्न में जाएंगे, सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट करेंगे ठीक है, और किसको करना है पहले, किसकी रेस्पेक्ट में करना है अपन को, तो अपन ये कर देंगे ठीक है। कितने करने हैं, ओनली तो ये अपना क्रिएट हो गया ठीक है। इसको अपन दूसरी साइड भी कर देते हैं, तो मैं राइट प्लेन में गया, मिरर एंटिटीज, किसको मिरर करना अपन को, सर्कुलर पैटर्न को ओके, और ये अपना ये रेडी हो गया ठीक है गाइस। तो के बाद ठीक है, अब अपन एक प्लेन क्रिएट करते हैं, प्लेन में गया ठीक है, इससे 45 डिग्री पे एक प्लेन क्रिएट करते हैं ठीक है, 45 डिग्री पे ओके, और एंगल इसका 45 फ्रंट प्लेन चूज किया, रेफरेंस प्लेन एक बार सेकेंड ओके, काम करता हूँ मैं, पहले एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ क्या है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रंट प्लेन लिया, इसको नॉर्मल किया, और यहाँ पर एक मैं सेंटर लाइन क्रिएट कर देता हूँ ठीक है। एस्केप, फीचर में गया, रेफरेंस, इसको पहले एग्जिट, फ्रंट प्लेन, रेफरेंस प्लेन ठीक है, और फोर्टी फाइव फ्लिप डायरेक्शन ठीक है ओके ठीक है। तो ये मेरा अब क्रिएट हो गया, अब मैं क्या करूँगा, प्लेन चूज किया एक, इसको पहले मैं नॉर्मल करता हूँ ठीक है, के बाद यहाँ एक मैं सेंटर लाइन क्रिएट कर देता हूँ ठीक है, एस्केप, फीचर में गए, इसको एग्जिट आ जाते हैं एक बार
प्लेन चूज किया, रेफरेंस जियोमेट्री प्लेन, ठीक है, और इस पॉइंट पे, ठीक है, तो वैसे अपना प्लेन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अपना फर्स्ट प्लेन का अपना काम नहीं, तो मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी अभी मैं, चलो तो मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, ठीक है। स्केच में गया, कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ एक, कॉर्नर रेक्टेंगल स्मॉल डायमेंशन इसको देता हूँ मैं 0.5, ठीक है, ओके गाइस, सॉरी है, मुझे इस प्लेन पे क्रिएट करना था, इसको डिस्कार्ड चेंज करते हैं, ठीक है, अपना हम प्लेन का अपना काम हो गया, इसको मैं करता हूँ के गाइस, तो दो प्लेन बन गए, जबकि मेरे को इस प्लेन को चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, प्लेन 3 को डिलीट कर देता हूँ, ओके, प्लेन 2 को मैं गया नॉर्मल, ठीक है, अब सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन 0.5 है, मैं ओके, फीचर में गए, एक्सट्रूड बॉस, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट, ओके, ठीक है, तो ये मेरा रेडी हो गया, इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ, के बाद मैं पैटर्न में गया, सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट किया, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसके रेस्पेक्ट, ठीक है, एक मिनट, क्लियर सिलेक्शन, किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसके रेस्पेक्ट में, और किसको करना है, फीचर में गया, एक्सट्रूड बॉस, ठीक है, और इसको ओके, तो गाइस मेरा ये कंप्लीट हो गया, मैं इस स्केच को हाइड कर देता हूँ, इनका मेरे को अभी काम नहीं है, ठीक है, तो मेरा ये इतना पार्ट रेडी हो गया। अब उसके बाद अपन इस पर होल क्रिएट करते हैं, तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है, और इस पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मैं स्केच में गया, सर्कल चूज किया, ठीक है, और ये मैं गया, इसको दिया 1.5, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन में गया, डाई 2.5 एमएम दोनों एंड से, ठीक है, फीचर में गया, एक्सट्रूड कट और थ्रो, ठीक है, ओके, तो इसके बाद मुझे चारों उस पर चाहिए एंड पे, तो मैं गया पैटर्न में, सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट किया, किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसके रेस्पेक्ट में, और ये चूज, ओके, तो गाइस मेरे होल भी क्रिएट हो गए, ठीक है, तो गाइस इसके अपन एजो को भी थोड़ा फिलेट कर लेते हैं, मैं इसको सेलेक्ट किया, फिलेट, ठीक है, कितना 2 mm कर, ठीक है, सारी एजों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिलीट, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको, इसको, ठीक है, बाकी आई थिंक अपनी सारी एज सेलेक्ट होगी, और ओके, ठीक है,
अब अपन इसका फाइनल पार्ट क्रिएट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ, स्केच में गया कन्वर्ट एंटिटीज। एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, इसका डायमेंशन दे देता हूँ मैं कितना, 33, 33 mm। तो 33 मतलब कितना हो गया, 16.5। ठीक है, ओके। और मैं सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें शेप देने के लिए। ठीक है, एक यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी पहले अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर देंगे। काम करता हूँ मैं, ऑफसेट एंटिटीज, इसको ऑफसेट रिवर्स डायरेक्शन में 3, इसको मैं करता हूँ 4 mm। ओके, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एक्सटेंड। 1 मिनट गाइस, फ्रेम एक्सटेंड, इसको करता हूँ ओके। 1 मिनट गाइस, कन्वर्ट एंटिटीज, ठीक है, अब हो जाएगा भाई। उस समय थोड़ी लाइन सेलेक्ट की, तो इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बाकी साइड कर लेते हैं अपन, ये इन दोनों साइड। लाइन सेलेक्ट की, लाइन सेलेक्ट की, इसको मैं कन्वर्ट एंटिटीज कर देता हूँ। लाइन सेलेक्ट की और ओके, ठीक है। इसके बाद अपन फीचर में जाएंगे, टेक्स्ट टूल बॉस। ओके, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं
5 mm. ओके, एक बार इसके इसको एडिट कर लेते हैं, 3.5. ओके ठीक है, अब इस पे एक होल क्रिएट कर देते हैं. ठीक, क्या वो तो आप कितने का भी कर लें अभी, तो फीचर एक्सट्रूड कट. ओके, तो गाइस ये अपना दूसरा पार्ट क्रिएट हो गया, कंप्लीट हो गया. मैं एक बार इसको सबमिट कर दूँ एक बार. ठीक है, तो ये सारी एजेस सेलेक्ट कर लिए, फिलेट में गए और इसको अपन फिलेट कर देते हैं. ठीक है, इसको अब अपन कलर कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन इसकी असेंबली कर. ब्लैक कलर कर. ठीक है, तो गाइस ये अपना कंप्लीट हो गया. इसको मैं सेव कर लेता हूँ पार्ट टू से. ओके, अब अपन इसकी असेंबली करेंगे. मैं न्यू पार्ट क्रिएट करूँगा, असेंबली. ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट किया. ठीक है, वन टू. ठीक है, उसके बाद आप इसको असेंबल कर दो, तो मैं जाऊंगा मेट में. ठीक है, ये और ये आपस में क्या है, कोसेंट्रिक. ठीक है, 1 मिनट गाइस, इसको मैं एडिट करता हूँ, इसको रिवर्स. 1 मिनट. ये बस को डिलीट किया. ठीक है, ये और ये आपस में क्या है, कोसेंट्रिक, और इसको रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, तो ये मेरा रेडी हो गया. तो इसके बाद ये और ये, ठीक है, क्लियर सिलेक्शन, ये पार्ट और ये आपस में क्या है, कोसेंट्रिक. ठीक है, ओके. तो अब अपन क्या करेंगे, इस पार्ट को तो मैं फिक्स कर दूंगा. ठीक है, एक मिनट. तो गाइस जैसे आपको जो भी पार्ट फिक्स करना है, उस पार्ट पे राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे लिखा है फिक्स. ठीक है, और इसमें लिखा होगा फ्लोट. तो जिस भी पार्ट को आपको फिक्स करना है, जिसको फ्लोट करना है, आप उसको इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो गाइज ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है,
ओके स्टार्ट। ठीक है गाइस, तो ये आप देख सकते हैं इसको जितना भी आपको मोशन कराना है, ठीक है, और जो भी आपको स्पीड देनी है आप इस टाइप से इसका करा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर अपन यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरे मिनी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो गाइस अपन नेक्स्ट